गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे विज्ञान, और विज्ञान में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था विद्युत धारा। और विद्युत धारा में पहले धारा हमने बनाई, फिर बहने लगी, फिर धारा में प्रतिरोध आया, प्रतिरोधों का संयोजन किया। संयोजन दो प्रकार से हुआ, जो कि श्रेणी और समांतर था। अब श्रेणी और समांतर में हमने कंबाइन लगा दिया कि दोनों अगर कंबाइन होते हैं तो क्या होता था, ये चीज हम कर चुके थे। अब मैं कुछ बातें करता हूं कि अपन नोट लगाते हैं। मैंने पहले बोला था कि एमिटर को कनेक्ट क्यों किया जाता है सीरीज के अंदर, वोल्टमीटर को कनेक्ट क्यों किया जाता है उसको समांतर के अंदर। देखो इधर, मैंने जब डायग्राम बनाया था तो ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। अपना डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ए, फिर यहां पे बैटरी, बैटरी ऊपर लगाई हुई थी, और यहां पे कुंजी, और फिर रोस्टेट, फिर इधर, और यहां पे प्रतिरोध, प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर से आगे जाकर के ये रोस्टेट से जुड़ गया। क्लियर है? तो यहां पे हमने वोल्टमीटर को जोड़ा था किसके अंदर, समांतर संयोजन में, और एमिटर को जोड़ा था किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। क्यों जोड़ा था, अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो, हमने बात करी है समांतर क्रम संयोजन की और श्रेणी क्रम संयोजन की। मैं यहां लिखने जा रहा हूं समांतर, पहले लिखते हैं श्रेणी और इधर लिखते हैं समांतर। तो श्रेणी क्रम ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को श्रेणी क्रम में जोड़ते जाओगे तो वहां पर विद्युत धारा क्या रहेगी, समान रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और समांतर क्रम ये कहता है कि विभवांतर जो होता है वो आप समांतर क्रम में कहीं पर भी जोड़ोगे तो दो बिंदुओं के मध्य क्या रहेगा, समान रहेगा। तो दो बिंदुओं के मध्य सेम रहेगा क्या, विभवांतर, विभवांतर। क्लियर है? तो हमें आई कौन देता है, एम्पियर। एम्पियर किसको नापता है, विद्युत धारा को। अगर विद्युत धारा को नापनी है तो इसको कहां लगाना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी में नहीं लगाएंगे, और मान लो आपने यहां पर धारा लगा दिया, तो क्या होगा, विद्युत धारा आई जो यहां से आ रही है वो विभाजित हो जाएगी आई वन और आई टू में। किसमें विभाजित हो जाएगी, आई वन और आई टू में। और अगर आई वन में विभाजित हो गई तो एमिटर के अंदर आपको जो मान मिलेगा वो आई वन का मिलेगा, आई टू का नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हमें विद्युत धारा निकालनी होती है तो एमिटर को हमेशा किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में ही जोड़ेंगे, समांतर में नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा समान रहेगी। क्लियर है? तो इसको ऐसे नहीं करके कैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और अगर विद्युत विभवांतर जो है वो इन दोनों बिंदुओं के मध्य दे रहा है विद्युत विभव, और इन दोनों बिंदुओं के मध्य दे रहा है, तो मान लो आपने क्या किया, इसको यहां से हटाया और इसके यहां पे विद्युत विभवांतर को वोल्टमीटर लगा दिया। अगर यहां वोल्टमीटर लगाओगे तो क्या होगा, ये इन दो बिंदुओं के मध्य देगा, इन दो बिंदुओं के मध्य देगा, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का जो है वो विद्युत विभव आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इन दो बिंदुओं की बात कर रहे थे तो यहाँ पे V1 था और यहाँ पे विभवांतर क्या है, V2 है, तो यहाँ पे आपको किसका मान मिलेगा, V2 का, ना कि V1 का। अगर आपको V1 का चाहिए, आप कहोगे सर हम यहाँ लगा दें। अरे यहाँ क्यों लगा दोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं ना, रेजिस्टेंस लगा ही नहीं तो कैसे लगा दोगे। इसलिए विभवांतर को या वोल्टमीटर को कहां लगाया जाता है, समांतर क्रम के अंदर लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो एक बार इसके ऊपर नोट लिख लेंगे, नोट लिखने के बाद हम चलेंगे आगे। नोट लिखिए, नोट, विद्युत धारा को नापने के लिए
विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है तथा इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान पूरे परिपथ में समान रहता है। क्लियर है? पूरे परिपथ में धारा का मान समान रहेगा, इसलिए हमें विद्युत धारा वही मिल जाएगी जो हमें निकालनी है। बात करते हैं दूसरी बात यह है कि विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है तथा इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसको? विद्युत विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर को। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े सभी परिपथों में दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर का मान समान रहता है। इसलिए इसको समांतर क्रम में और एमिटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, किसी दूसरे क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए नोट है उसको लिख लीजिए आप एक बार अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट लो और इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। कल हम पढ़ रहे थे संयोजन, समांतर और श्रेणी दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो जिसके अंदर समांतर भी मिले और श्रेणी भी मिले। क्या मिले? समांतर क्रम भी मिले और श्रेणी क्रम भी मिले। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? पहला है तुल्य प्रतिरोध। दूसरा है प्रत्येक परिपथ में विद्युत धारा। तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान
प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। क्लियर है? अब आप बनाते हैं यहां पे, क्या बनाना है, एक परिपथ चित्र जो कि दिया हुआ है और उसमें आपको निकालना है। तो परिपथ चित्र कुछ इस तरीके से है, ये हम कर चुके हैं पहले, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्वेश्चन करवाने का मतलब यह है कि आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट को इस तरीके से मजबूत कर लो कि आपको कितना भी हार्ड दे दिया जाए आप उसमें नहीं चूकेंगे। बात समझ आई है? उसमें आपको नहीं चूकना है, नहीं हटना है। तो देखो, ये है बिंदु ए और यह है बिंदु डी मान लो, तो ए और यहाँ पे हो जाएगा बी, इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, ए बी, और ये हो जाएगा सी और ये हो गया डी। ये है आपका प्रतिरोध R1, R2 और R3। R1 का मान, R2 का मान सबका दे रखा है दो दो और दो। R3 जो है, R4 ये वाला है जिसका मान दे रखा है आपको चार, और फिर यहाँ पे दे रखा है R5 और R6। इन दोनों के मान भी कितने हैं, दो ओम और दो ओम है। क्लियर है? दो ओम, दो ओम, दो ओम, और बैटरी हम लगा रहे हैं 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की लगा रहे हैं? 12 वोल्ट की। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप बार बार बैटरी को 12 वोल्ट क्यों लेते हो, बैटरी को 12 वोल्ट क्यों लेते हो, उससे अधिक या कम क्यों नहीं लेते हो। देखो, बैटरियां जो आ रही है मार्केट के अंदर उसके हिसाब से आप बैटरी लेना, क्योंकि आप अगर 11 वोल्ट की बैटरी लोगे 11 वोल्ट की बैटरी नहीं मिलेगी आपको, इसलिए मैं 12 वोल्ट की ले रहा हूँ, 6 वोल्ट की ले सकते हो, उस हिसाब से बैटरी में वोल्टेज लो जो आपके पास अवेलेबल है, जो वास्तव में उपलब्ध है। तो एक बार करने की कोशिश करें इसको, चलो आपको चित्र दे रखा है और चित्र में क्या दिया, R1 R2 R3 की मान दे दिए, R1 R2 R3 की मान, एक R4 दे दिया, फिर R5 और R6 दे दिया। अब निकालना तुल्य प्रतिरोध। पहली बात तो तुल्य प्रतिरोध में मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब भी आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे क्या करेंगे, जो जो आपको दे रखा है उसमें आप देखो कि कौन कौन से समांतर में है और कौन से श्रेणी में है। बात आती है पहला कौन सा करें, तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इसको करना है पहले किसी और को करना है। पहले का मतलब यह है कि आप दो दो और दो दे रखे हैं, R1 R2 और R3, तो R1 R2 R3 के लिए एक तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, क्योंकि ये किसमें है, समांतर क्रम में, और ये आगे वाले के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको तो अभी रहने ही दो तो ये अच्छा है। इससे बेटर होगा दो और दो, ये R5 और R6 का एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। तो ये दोनों समांतर दिख रहे हैं, ये तीनों समांतर दिख रहे हैं, मतलब इन तीनों का समांतर हो गया, इन तीनों का, दोनों का समांतर हो गया, फिर बचेंगे एक एक एक, ये तीन प्रतिरोध जो होंगे वो किसमें दिखेंगे, श्रेणी क्रम में। वो अगर श्रेणी क्रम में है तो आप उसमें श्रेणी क्रम संयोजन लगाए और श्रेणी क्रम संयोजन से उसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए कैसे निकलेगा निकाल लेते हैं। चलो, तो चित्रानुसार चित्रानुसार माना R1 R2 तथा R3 का तुल्य प्रतिरोध R डेस है। क्या है? R के ऊपर डेस लगा दिया तो वो बन गया R डेस।
R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध R' है, R' अगर है तो हमें पता है ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, और समांतर क्रम की जब बात करेंगे तो समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RA3। REQ की जगह मैं क्या ले रहा हूं, R1। REQ की जगह क्या है, R1 है। तो क्या हो जाएगा, 1/R' बराबर R1 R2 R3 तीनों के मान कितना है, 2 2 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इनको अगर आप जोड़ते हो तो क्या मिलेगा आपको, 1/R' बराबर देखो 3/2 मिल जाएगा। और अगर आप R' का मान निकालते हो तो वो आ जाएगा 2/3 ओम। R' कितना मिलेगा, 2/3 ओम। 2/3 ओम आपको मिल चुका है। R' वो कौन से परिपथ का हो गया, इसका हो गया। ठीक है, इन तीनों का जो है तुल्य प्रतिरोध वो आपके पास मिल चुका है R'। क्लियर है। अब हम इन दोनों के लिए निकालते हैं। इसी प्रकार माना, क्या करा माना, R5 और R6 का तुल्य प्रतिरोध कितना है, R डबल डैश है। तो ये भी किसमें है, समांतर क्रम में है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2। 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 1। तो R डबल डैश भी कितना आ जाएगा, 1 ओम। यानी इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R डबल डैश आ चुका है। अब इसके लिए तुल्य परिपथ निकालो। तो अब तुल्य परिपथ अगर आप तुल्य परिपथ निकालते हो तो तुल्य परिपथ क्या मिलेगा आपको, तुल्य परिपथ मिलेगा, देखो यहां से एक प्रतिरोध ये आया R डैश। क्लियर है, कौन सा प्रतिरोध, ये वाला, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध। और फिर दूसरा दे रखा है R4, तो यहां से ये बना दिया R4। अब एक और दे रखा है जो कि क्या है आपका, R डबल डैश। तो यहां से एक प्रतिरोध निकाला और वो हो गया R डबल डैश। R डबल डैश अगर हो चुका है तो अब क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ा जो कि 12 वोल्ट की है, और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के बाद में इसको विभवांतर मिल गया E, और ये बन गया पूंजी के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो R', R4, R डबल डैश तीनों कौन से क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में है। अगर तीनों श्रेणी क्रम में है तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन लगा देंगे। तो माना क्या है, ये तो R1 यानी R' R4 तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में संयोजित है। किसमें है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध को मैं मान रहा हूं R इक्विवेलेंस है, और R इक्विवेलेंस होना चाहिए R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश। क्या होना चाहिए, R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश होना चाहिए। तो REQ बराबर हो जाएगा R डैश कितना है, 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस R4 कितना है, R4 4 दे रखा आपको, तो ये हो जाएगा 4 प्लस हो गया 1। क्लियर है।
तो आर इच क्यू बराबर चार और एक पांच, पांच और दो सात, तो सात बटे तीन होना चाहिए, नहीं होगा, कितना होगा देखो, तीन यहाँ पे लोगों तो ले लो, दो हो जाएगा, चार तरी बारह हो जाएगा, प्लस का तीन हो जाएगा, बारह और दो चौदह, चौदह और तीन सत्रह, तो ये बन गया आपका सत्रह बटे तीन। आर इक्यू का मान आ गया आपके पास सत्रह बटे तीन। और अगर तुल्य प्रतिपथ की बात करते हैं तो परिपथ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। परिपथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुंजी के प्लस माइनस 12 वोल्ट और ये 17 बटे 3 ओम। मात्रक यूनिट लगाना मत भूलना, मात्रक घर पे लगाना, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक और यहाँ पे 12 वोल्ट कुंजी लग गई क्या के। क्लियर है? तो ये अभी तक आया है सिर्फ और सिर्फ तुल्य प्रतिरोध, यानी अपना पहला क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन हो गया? पहला क्वेश्चन। इसमें आर डैश की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो बटे तीन है, ये चार था, आर डबल डैश अपना आया था, कितना आया है आर डबल डैश, आर मान एक आया है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर इक्यू जो है पूरे परिपथ का वो अपना है 17 बटे 3 ओम आया है। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर राइट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। यदि आपको परिपथ दे रखा है, परिपथ में कोई सा भी संयोजन हो, दो तीन मिक्स संयोजन हो तो भी निकाल सकते हो। बात समझ आई है? चलो आगे मैं बात करता हूं परिपथ में विद्युत धारा। तो परिपथ कौन सा था अपना? परिपथ ये था। अगर आपको परिपथ की धारा पूछी है तो तुल्य परिपथ ले लो, और तुल्य परिपथ में क्या है, ये आर इक्यू है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस माइनस चिन्ह लग गए और यहाँ पे कुंजी के हो गए। बात समझ आई? आर इक्विवेलेंस का मान 17 बटे 3 ओम था, तो मैं यहाँ लगा दूंगा 17 बटे 3 ओम हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अगर नहीं है तो इधर देखो, आप तुल्य प्रतिरोध निकालो, इसके लिए आई हो जाएगा, ये आई और यहां से विद्युत धारा आई बाहर निकलेगी। तो तुल्य धारा के लिए क्या करेंगे, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा V बराबर क्या होता है, आई गुणा आर। V बराबर होता है आपका I गुणा R, तो आपको I निकालना है, V दे रखा है, R दे रखा है, तो R को मैं लिख दूंगा R eq, और अगर ये R eq हो जाएगा तो V कितना है 12, I कितना है निकालना है 17 बटे 3, तो I का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, तो 12 गुणा 3 बटे 17, 12 को 3 से गुणा करते हो तो 36 बटे 17। अगर इसका पॉइंटों में मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 17 का भाग दो, 17 दुना 34, बचेगा क्या 2, 2 में 17 का भाग दिया एक बार, फिर कितना बचा 3, 3 के अंदर 17 का भाग दिया कितना आएगा एक बार, फिर कितना बचा 3, तो इस तरीके से चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगी, एम्पियर के अंदर हो जाएगी। किसमें हो रही है, एम्पियर के अंदर हो रही है। यानी विद्युत धारा जो आई है इक्विवेलेंस वो आएगी 2.11 एम्पियर। चलो 2.11 एम्पियर आ चुकी है, अब निकालनी है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। अब प्रत्येक प्रतिरोध की धारा का मान निकालना है तो देखो, पहले इसके और इसके बीच विभवांतर आपको क्या है, V1 है। क्या है, V1 है। यहां से यहां तक का विभवांतर कितना है, V2 है। यहां से यहां तक का विभवांतर कितना था, V3 था। मतलब हमने एक पहले परिपथ बनाया था, ये जो तुल्य परिपथ है इससे V1 निकल जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध है इससे V2 निकल जाएगा, ये तुल्य प्रतिरोध है इससे V3 निकल जाएगा। तो पहले हम करेंगे विभवांतर वाला क्वेश्चन, फिर चलेंगे हम प्रतिरोध में धारा का मान। क्लियर है? तो
लिख रहा हूं मैं यहां पे बिंदु माना बिंदु ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य उत्पन्न विभव अंतर, उत्पन्न विभव अंतर वी वन है तो वी वन बराबर आई गुणा आर वन हो जाएगा। आर वन की जगह क्या है, आर डेस है, आर वन की जगह क्या है, आर डेस हो जाएगा। वी वन का मान निकालना है तो वी वन बराबर आई का मान कितना है, 2.11 कितना हो जाएगा, 2.11 बोलो या 36/17 ले लो, कितना ले लो, 36/17 गुणा आर डेस कितना है, आर डेस 2/3 तो ये हो जाएगा 2/3, 3 से इसको काटो 12 तो आ जाएगा 24/17 वोल्ट। क्लियर है, 24/17 वोल्ट किसका मान आएगा, V1 का मान आएगा। इसी तरीके से आप V2 का मान निकाल सकते हो, तो V2 का मान कितना आएगा निकालो एक बार देखे, चलो V2 के मान की अगर बात करें तो V2 का मान कहां आ रहा है, 4 ओम के प्रतिरोध पे आ रहा है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, V2 बराबर I गुणा R2, तो V2 बराबर R2 की जगह क्या है, R4 है, तो R4 की जगह क्या हो जाएगा, I आपको दे रखा है 36/17 गुणा R4 दे रखा है आपको 4, तो इसको गुणा करोगे इससे तो आपको क्या मिल जाएगा, V2 का मान मिल जाएगा। V2 का मान कितना हो जाएगा, 144/17 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप V3 का मान निकालोगे तो V3 कितना हो जाएगा, V3 बराबर I गुणा R डबल डैश होता है, V3 बराबर I आपको दे रखा है कितना है, 36/17 R डबल डैश का मान कितना दे रखा है, 1, तो कितना आ जाएगा, 36/17 वोल्ट आ जाएगा। अगर आप V1, V2, V3 सबको जोड़ोगे 24, 36, 144 जोड़ो कितना आएगा, 224, 224 के अंदर 17 का भाग दोगे तो अपने आप ही आपको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखो, ठीक है, सही है। चलो इन सबसे आपको क्या मिलेगा, V1 का मान, V का मान मिलेगा जो कि 12 वोल्ट के बराबर आएगा। आगे करते हैं, इसी तरीके से अगर आप करते हो क्या, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, धारा का मान, अगर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकालोगे तो I1 देखो, इधर से देखो, यहां पर विभवांतर आपको मिल चुका है, ये है I1, यहाँ पे होगी I2, यहाँ पे होगी I3, ये I1, I2, I3 जो होगी वही वापस जाके यहाँ मिलेगी, मतलब इसके अंदर तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, वही होगा जो कि आपने पहले यहाँ पे निकाला है। फिर वापस ये बन जाएगी क्या, यहाँ पे I4 और यहाँ पे I6 और 5 कर देता हूँ, क्लियर है। तो मैं सीधे निकालने जा रहा हूं, पूरा जो पहले किया था वो उतना नहीं कर रहा हूँ, सीधा निकाल रहा हूँ डायरेक्टली, ताकि आप लोग निकाल लो और इजीली हो जाए। देखो बात करता हूँ आई वन की, तो आई वन बराबर कितना हो जाएगा, वी वन बट्टा आर वन, और वी वन का मान कितना है, 24/17 और आर वन का मान है 2, तो 2 का जब भाग दोगे तो 12/17 मिलेगा। I2 की अगर मैं बात करता हूं तो I2 आ जाएगा V2 बटा R2, और V2 का मान कितना है, V2 का मान है 144/17 और उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 72/17
17 आ जाएगा। और इसी तरीके से आई थ्री की अगर बात करो तो आई थ्री का मान कितना आ रहा है आपके पास में, वी थ्री बटा आर थ्री, सॉरी आई टू का मान, आई टू का मान भी कितना आ जाएगा, वी वन बटा आर वन, और वी वन बटा आर वन कितना आ रहा है आपके पास, 24/17, क्योंकि इसके इसके और इसके तीनों में कितना है विभवांतर समान है जो कि V1 है, इसलिए ये कितना मिलेगा, हर का मान 12/17 मिलेगा, इसका भी कितना मिलेगा 12/17 मिलेगा, कितना मिलेगा 12/17 मिलेगा। और जब इन जोड़ोगे इन तीनों को I1 I2 I3 तो आपको मान मिलना चाहिए कितना, इतना, तो 12 + 12 + 12 जोड़ो कितना आएगा 36/17 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं आई फोर की बात करूं तो आई फोर 36/17 होना चाहिए क्योंकि वो बीच में आ रहा है और सबके समान है। इसी प्रकार अगर मैं आई फाइव की बात करूं तो आई फाइव के अंदर कितना आ जाएगा, आई फाइव बराबर कितना है वी थ्री, आई फाइव बराबर वी थ्री बटा R5, V3 का मान कितना है, V3 36/17, तो 36/17 भाग 2 बराबर कितना आ जाएगा 18/17। I6 की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा V3/R6 जो कि कितना है 36/17 भाग 2, कितना मिल जाएगा आपको 18/17, किसमें आएगा एम्पियर, ये भी कितना है एम्पियर, एम्पियर ये भी एम्पियर, एम्पियर और ये भी एम्पियर। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको इनका एक बेसिक नॉलेज मिल जाए और जो जो आपको चीजें भूलने वाली है वो चीजें ना भूलो ताकि रिवीजन बना रहे क्वेश्चन होते रहे। तो इस क्वेश्चन को करिए एक बार, देख के घर पे अपने खुद के हिसाब से करना कि आपको जो जो आता है उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास के अंदर इसका नया टॉपिक है वो शुरू कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।